आइए मैं उस अजीम नाजीम मुशायरा को आवाज़ दूँ जिन्हें आप बारहा सुन चुके हैं। मेरी मुराद जनाब राशिद राही साहब से है। इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि उसकी बातें क्या करते हैं, वो लफ्ज़ों का पानी है, उसके कितने लहजे हैं और हर लहजा लाफानी है। हजरत ये मुशायरा मेरा अपना मुशायरा है, यकीनन ये डॉक्टर आजम साहब की और नूर साहब की मोहब्बत है जो उन्होंने मसरूफियत के सबब मुझे यहाँ तक बुला ही लिया। मैं एक मतला और दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। मतला यूं किया है, क्या पता खुशहाल थे या वक्त के मारों में थे, क्या पता खुशहाल थे या वक्त के मारों में थे, दो कबूतर तो इसी मस्जिद की मीनारों में थे, दो कबूतर तो इसी मस्जिद की मीनारों में थे, गैर ने गिरती हुई दस्तार की रखी है लाज, गैर ने गिरती हुई दस्तार की रखी है लाज, मेरे भाई तो मेरे सर के खरीदारों में थे, मेरे भाई तो मेरे सर के खरीदारों में थे। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि खेत बंगला शानो शौकत और मोटर कार थी, खेत बंगला शानो शौकत और मोटर कार थी, बाप दादा तो इलाके के जमींदारों में थे, बाप दादा तो इलाके के जमींदारों में थे, जितने खिदमतगार थे सब आज मालिक बन गए, जितने खिदमतगार थे सब आज मालिक बन गए, पहले ये सब लोग मेरे नाज बरदारों में थे, पहले ये सब लोग मेरे नाज बरदारों में थे। और बयाते फासिख से राशिद ने किया इनकार यूं, बयाते फासिख से राशिद ने किया इनकार यूं, उसके जो असलाब थे वो सब अलमदारों में थे, उसके जो असलाब थे वो सब अलमदारों में थे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।